नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा जगत के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव कुछ दिन पहले अपने गृह जिला छपरा आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने अपने माता पिता को अपनी नई कार में बैठाकर घुमाया, साथ ही अपने से बड़े लोगों के पैर छुए तो वहीं अपने बचपन के दोस्त यानी कि पवन पांडे का पैर छुए, इसको लेकर अब विवाद हो गया है। कुछ लोगों का कहना है कि खेसारी लाल यादव इतने बड़े सुपरस्टार हैं तो उन्हें पवन पांडे का पैर बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। वहीं बात करें तो इस मामले को लेकर पवन पांडे ने बहुत ही बड़ी बात कह डाली है। भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में चर्चा हो रही है कि पवन पांडे अगर खेसारी लाल यादव को गले लगाते तो ज़्यादा अच्छा था। हालांकि खेसारी लाल यादव और पवन पांडे एक दूसरे के बहुत करीब हैं। वहीं अब जब इस मामले को तूल दिया जा रहा है तो भोजपुरी राइटर पवन पांडे ने बहुत बड़ी बात बोल दी है और उनकी बात सुनकर कई लोगों को पछतावा भी हो रहा है। खेसारी लाल यादव संस्कारी हैं, पवन पांडे ने ये बात कही है। दरअसल पवन पांडे ने कहा है कि खेसारी लाल यादव संस्कारी हैं, इसी वजह से वो अपने बड़ों का पैर छूते हैं। जो संस्कारी नहीं होते हैं वो पशु समान होते हैं। खेसारी लाल यादव जैसा होना किसी के बस की बात नहीं है। वो गरीब से घर से निकला हुआ लड़का है, उनके अंदर संस्कार कूट कूट कर भरा हुआ है। वो हमेशा ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो संघर्ष 2 बिहार में छा गई है। बता दें कि खेसारी लाल यादव की भोजपुरी फिल्म संघर्ष 2 इन दिनों सिनेमाघरों में धूम मचाए हुए है। अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए खेसारी लाल यादव कई सिनेमाघरों में भी गए थे। कहा जा रहा है कि भोजपुरी सिनेमा जगत के पिछले 10 से 12 सालों में पहली बार टॉकीज में लगी लोगों की भीड़ भोजपुरी फिल्म के लिए इतनी देखी गई है। संघर्ष 2 के लिए गजब का लोगों में क्रेज जो है वो दिखाई दे रहा है। बाकी जिस तरीके से पवन पांडे और खेसारी लाल यादव का मामला आया है उसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं, बताइए।